हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर नरेंद्र पंडित। वेलकम इन महाजन कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी यवतमाल। स्टूडेंट, आज हम आपके बीएससी सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का सिलेबस देखने वाले हैं। यू हैव अ सब्जेक्ट for your electronics and the name of your paper is that electronic device and circuit. Electronics device and circuit, इस subject के लिए आपको there are 6 units you have to study for this paper and from these 6 unit you have learned about. In the first initial unit, that is hybrid parameters and cascaded amplifiers. Okay, that is the first unit for your study syllabus, hybrid parameters and cascaded amplifiers. Student, from this unit we have to study about what is hybrid parameters. What is mean by hybrid? Hybrid means mixed. Okay, mingle. And we have to learn, we have to know about what are the hybrid parameters and cascade amplifiers. From this unit also we have to study transistor equivalent circuit of CE, CB, analysis of small signal CE amplifiers. What are the small signal CE amplifiers and how they are work? Concept of cascaded amplifiers. Again, we have to study that type of coupling, RC coupled amplifiers, single tune amplifiers, etc. तो इस तरह हमें इस first unit में study करनी है about all the circuit, liner circuits of amplifiers, H parameters, equivalent circuits, hybrid CE circuits, H parameters of an ideal CB transistors, their work, H parameters of CE transistor arrangements, etc. इस तरह से हमें first unit के लिए study करनी है। ओके, तो देखते हैं सेकंड यूनिट के लिए हमको क्या देखना है, क्या स्टडी करना है। सेकंड यूनिट जो आपका है पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड है, जिसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ पावर एम्पलीफायर्स हमें देखना है, किस तरह से पावर एम्पलीफायर्स क्लासिफिकेशन होता है, उसमें पोर्शन किस तरह से साइकिलिंग ड्यूरेशन, इसमें कलेक्टर करंट किस तरह से किस बेसिस पे क्लासिफाइड होता है, फ्लो किस तरह से होता है, व्हाट इज क्लास ए एम्पलीफायर्स, क्लास बी एम्पलीफायर्स, क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स, ट्रांसफार्मर कपलेड क्लास ए एम्पलीफायर्स, इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन देखना है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स भी देखना है इसमें। उसके बाद हमको इसी यूनिट के लिए पावर रिलेशंस फॉर क्लास बी ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, उसका इक्वेशन किस तरह से होता है, उसमें फॉर्मूलाज किस तरह से यूज होते हैं, ये भी देखना है। मैक्सिमम वैल्यू देखने हैं क्लासिफिकेशन के। उसके बाद क्लास सी पावर एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, ये भी देखना है हमको। सर्किट ऑपरेशंस किस तरह से इस एम्पलीफायर्स में होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हमको क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर्स भी देखना है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके यूजेस क्या है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर, उसके बाद क्रॉस ओवर
डिस्टोर्शंस देखना है हमको। क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर्स क्या होता है, ये सब कुछ हमको इस सेकंड यूनिट में हमको देखने हैं, जिसका नाम है पावर एम्पलीफायर्स। ओके, उसके बाद चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, जिसमें हमको फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स देखने हैं, उस जिसमें हमें फीडबैक किस तरह से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक्स और नेगेटिव फीडबैक बेसिकली होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, उसमें एम्पलीफायर्स का वर्क किसने फेस पे शिप पे होता है, ये भी देखना है हमें। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक में क्या किस तरह से वर्क होता है, एम्पलीफायर किस तरह से वर्क होता है, उसके फेस कितने शिफ्ट होते हैं, ये भी देखना है। बेसिक आइडियल एम्पलीफायर्स देखना है, नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क देखना है एम्पलीफायर का, बेसिक आइडियल एम्पलीफायर्स, सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है ये भी देखना है हमको, किस तरह से वर्क करता है ये भी हमको देखना है, फीडबैक नेटवर्क, मिक्सिंग नेटवर्क, सीरीज मिक्सिंग किस तरह से करते हैं, करंट सैम्पलिंग क्या होता है, ये सब को हम सब हमको देखना है। उसके बाद इसी इसमें हमें शंट मिक्सिंग क्या होता है ये भी देखना है, उसके एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक्स, उसके स्टेबिलिटी ऑफ गेन क्या होता है, उसके सम किस तरह से आते हैं, इक्वेशंस किस तरह से होते हैं फीडबैक के, रिडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट, डिस्टोर्शन क्या होता है ये भी देखना है हमको। उसके बाद उसी में हमको रिडक्शन ऑफ नॉन लाइनर डिस्टोर्शंस क्या होते हैं, रिडक्शन इन नॉइस में किस तरह से रिडक्शन करना है हमको ये भी देखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस भी इसमें इसी यूनिट में हमको देखना है, फीडबैक एम्पलीफायर्स में। उसमें वोल्टेज गेन किस तरह से होता है एम्पलीफायर के, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर्स विथ फीडबैक ये भी हमें देखना है, और देन वी हैव टू सी ऑसिलेटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, टेस्ट ऑसिलेटर्स दैट मीन्स सिग्नल जनरेटर्स, स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर्स, फंक्शन जनरेटर्स, द ऑसिलेटर सर्किट्स वी हैव टू सी इन दिस यूनिट, दैट अगेन वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रैक हुसैन साइट्रेशन भी ध्यान में देखना है। तो ये हमारा थर्ड यूनिट रहेगा, हार्टली ऑसिलेटर्स, फेस शिफ्ट ऑसिलेटर्स, सर्किट ऑपरेशन, वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स, जिसमें हमें सब तरह के ऑसिलेटर्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, इस तरह से ऑसिलेटर्स की स्टडी भी हमें फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स में देखनी है। उसके बाद मुड़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जिसमें हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड एप्लीकेशंस देखने हैं, जिसमें वी हैव टू सीन वो रजिस्टर्स किस तरह से वर्क होता है, डिफरेंस एम्पलीफायर्स में रजिस्टर्स किस तरह से यूज होते हैं, बेसिक में व्हाट इज आर वन आर टू आर थ्री आर फोर सिलेक्टेड और टू द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्रॉपरली, ये हमें देखने हैं। उसके बाद हमें इसी इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एप्लीकेशन एम्पलीफायर्स, जिसमें इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, इस तरह के स्टेज हमें देखने हैं, जिसकी डेप्थ स्टडी हमें इस यूनिट में करनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपम्प, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, पैरामीटर्स ऑफ ओपम्स देखना है हमें, आउटपुट भी इसमें देखने हैं हमको। उसके बाद स्लो रेट क्या होता है, CMRR क्या होता है ये भी हमें, यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है ये हमें देखना है इसी फोर्थ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एप्लीकेशंस यूनिट में। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ओपोम्प भी हमें देखने हैं, एप्लीकेशन किस तरह से होते हैं एम्पलीफायर के, इन्वर्टिंग ओपोम्स, नॉन इन्वर्टिंग ओपोम्स,
क्या होते हैं ये भी देखना है हमको। एडलर, सब्सट्रैक्शन, एडर, सब्सट्रैक्शन क्या करना है इसमें ये हमें देखना है। उसके सम क्या है ये भी हमें, इंटीग्रेटर्स, ये सब कुछ हमें इस फोर्थ यूनिट में देखना है। उसके बाद हमें फिफ्थ यूनिट में एडवांस एप्लीकेशन ऑफ ओपोम्स, व्हाट आर द एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ ओपोम्स सॉल्यूशन टू स्टिमुलेटर्स इक्वेशंस, इसमें इक्वेशंस देखने हैं, उसके स्टेप्स देखने हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, इस तरह से उसके इक्वेशंस स्टेप बाय स्टेप हमें देखने हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके सॉल्यूशंस, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होता है, उसके डायग्राम्स किस तरह से होते हैं, उसके मोशंस, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके सैंपल हार्मोनिक मोशंस भी देखने हैं हमें, उसके स्टेप्स भी हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद डैम्पेड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होता है, किस उसका डायग्राम किस तरह से वर्क करता है, उसमें किस तरह से ट्रांजिस्टर्स या फिर किस तरह से स्टेप्स यूज होते हैं यह हमें देखना है। उसके बाद हमें इसी यूनिट में आपके लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स भी देखना है। देन वी हैव दैट रीजनरेटिव कॉम्परेटर्स, स्कीमिट ट्रिगर भी देखना है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट यूनिट नंबर 6, जो है डी ऑब्लिक ए एंड ए ऑब्लिक डी कन्वर्टर्स। ओके, डी ऑब्लिक ए इट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, एंड ए ऑब्लिक टू डी इट मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। इस तरह से कन्वर्टर्स हमें देखने हैं। उसमें वेटेड रजिस्टर लोडर टाइप कन्वर्टर्स भी देखने हैं, बाइनरी लैडर और आर टू आर टाइप कन्वर्टर्स देखने हैं। उसके बाद हमें इसके डायग्राम्स भी स्टडी करने हैं, उसके इक्वेशंस भी देखने हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या है ये भी देखने हैं, वो वर्किंग किस तरह से, सर्किट वर्किंग किस तरह से करता है ये भी हमें देखने हैं। उसके बाद डी ए कन्वर्टर्स स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, डी ए रिजोल्यूशंस यानी डिजिटल एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग रेशियो रिजोल्यूशंस क्या होता है ये भी देखने हैं, डिजिटल टू एनालॉग एक्यूरेंसी, कन्वर्टर टाइप ऑफ ए डी कन्वर्टर्स ये भी हमें देखने हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या होते हैं, उसके वर्किंग्स किस तरह से होते हैं, उसके आउटपुट ऑफ कॉम्परेटर्स किस तरह से होते हैं, उसके एनालॉग किस तरह से वर्क करते हैं ये हमें देखने है। उसके बाद सिंगल स्लोप प्लस विथ और वोल्टेज टू टाइम एडी कन्वर्टर्स भी हमें स्टडी करना है, उसका डायग्राम भी हमें स्टडी करना है। तो ये इस तरह से सैंपल होल्ड सर्किट, इस तरह से पूरे सर्किट की हमें स्टडी करनी है इसी यूनिट में। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें देर आर 6 यूनिट, दैट फर्स्ट यूनिट नेम इज हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड कैस्केड एम्पलीफायर्स, जिसमें हम एम्पलीफायर के हाइब्रिड पैरामीटर्स और कैस्केड एम्पलीफायर देखने वाले हैं। उसके बाद पावर एम्पलीफायर, जिसमें हम एम्पलीफायर को पूरी एंगल्स के साथ हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, जिसमें बहुत सारे ऑसिलेटर्स भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर्स, देर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट जो रहेगा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ ओपोम्स, ये जो फिफ्थ यूनिट रहेगा आपका, और लास्ट यूनिट आपका रहेगा डिजिटल टू एनालॉग, इट मीन्स डी ऑब्लिक ए एंड ए ऑब्लिक डी कन्वर्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच।